राजस्थान विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी प्रदेश की तिजारा विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां वह बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा, राजस्थान सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के तिजारा में सभा को संबोधित करते हुए उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर मामले पर भी बात की। सीएम योगी ने अशोक गहलोत सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है और यह मोदी जी के रहते संभव हो पाया है। सीएम योगी ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का जिक्र भी किया। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया। कांग्रेस सरकार अयोध्या का समाधान नहीं चाहती थी, यह मोदी जी के रहते संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। इस दौरान योगी ने इसराइल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। जी हां, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान इसराइल हमास युद्ध का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने इसराइल की तारीफ करते हुए कहा कि इसराइल अपनी रक्षा के लिए चुन चुन कर निशाना साध रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि गाजा में इसराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है। आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने जनता के विकास में योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान को लूट लिया। बलवर जनपद की तिजारा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।